नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मुझे ज्यादातर इंस्टाग्राम में और हर जगह मेल में भी यही कमेंट आता है कि गुरुजी बहुत सारे कर्जे में मैं डूबा हुआ हूं, कुछ उपाय कर दीजिए। देखिए, आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज में डूब जाते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि हम छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास खूब सारी मनी हो। अब मनी दो तरीके से आ सकती है। एक आती है कि सडन कोई आपके सामने ऐसी चीज आ जाए या आपका लक साथ दे जाए तो भी आ जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि आप मेहनत करके धीरे धीरे सारे पायदान में चढ़ेंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी और पैसे आ जाएंगे। लेकिन आज का मेरा उद्देश्य इन दोनों को मिलाकर ही है। देखिए, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। जो लोग घर में बिना कर्म के भाग के सहारे बैठते हैं उनकी ईश्वर भी मदद नहीं करते हैं। कर्म मरने वा दिकारस्ते मा फले सुखदाचन, श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में भी कहा है। इस कलयुग में आप कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। कर्म करेंगे तो 100% आपका भाग्य आपका साथ देगा। एक इंसान जो अपने घर से एग्जाम देने के लिए निकलता है, पॉसिबिलिटी होती है कि लक उसका साथ दे जाए। लेकिन जो इंसान सोचता है कि घर में ही बैठा रहूं और मेरी कॉपी भी भर जाए, मेरे अच्छे नंबर भी आ जाए, मेरे मेरिट में भी नाम हो जाए, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये संभवता हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है। कर्म अगर आप करते हैं तो भाग्य भी अगर खराब है तो एक समय आता है हार मान जाता है। कभी कभी जो आपके भाग्य में नहीं लिखा होता है वह भी ईश्वर देने पर विवश हो जाते हैं। बस आपको झुकाना आना चाहिए। तो कर्म हमें जरूर करना चाहिए। ये जो भी उपाय होते हैं, टोने टोटके होते हैं, ये वैदिक तरीके से होते हैं। अगर आपका कहीं पर भी थोड़ा सा मिसफॉर्च्यून हो रहा है तो यह उपाय काम करते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि एक पाइप में से पानी का फ्लो बहुत तेजी से आ रहा था, लेकिन उसी बीच में सडन में उसमें एक या तो छेद हो जाए तो भी पानी दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। यानी आपके भाग्य का जो लिखा हुआ था वो कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, पर तो आपको दे रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर फंस जाए तो भी पानी रुक रुक के आएगा। लेकिन दोनों ही केसों में, यानी अगर पानी आपका डाइवर्ट हो जाए तब भी आप तक पहुंचेगा और कंकड़ पत्थर आने पर तब भी आप तक पहुंचेगा, बट पॉसिबिलिटी यही होगी जो ये पानी है वो कम आएगा, रुक रुक के आएगा। सो ये जो उपाय होते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं कि जैसे घरों में जब आपके वहां कोई भी छोटा सा पानी टपकता है तो हम लोग हार्डवेयर की दुकान से लाकर MCL लगा देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से सील होती है। यानी उपाय करके अपने भाग को अपने पक्ष में आप ले लेते हैं, क्योंकि रोटी तो हर इंसान के भविष्य में, हर इंसान के वर्तमान में, हर इंसान के भाग में लिखी हुई है। लेकिन किस प्रकार की रोटी आप खाएंगे, सूखी खाएंगे या फिर बटर से खाएंगे, घी से खाएंगे, ये आप तय करते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको इस धरती पर लाते हैं कर्म करने के लिए। उन्होंने आपको आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह सब कुछ दिया है जिससे आप सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी चीज के लिए आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। ये जीवन और मृत्यु रूपी गाड़ी उन्होंने अपने हाथ पे रखी हुई है, लेकिन आप भी समझदार हैं, इससे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो बात चाहे कैसी भी हो, बिना पैसे के, बिना रुपए के सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं। कोई आपको कितना भी बड़ा ज्ञान दे दे, कितना भी बड़ा उपदेश दे दे, लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं है ये सब चीजें बेकार है। सो आज का मेरा उपाय सुनिए, केवल एक बार का है, बहुत ही सस्ता उपाय है। मैं आपसे वादा करता हूं केवल 10 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं। और कई लोगों को तो 10 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि वो चीज घर में ही मिलती है। क्या करना है? शुक्रवार का दिन शुक्र देवता का होता है, मां लक्ष्मी का होता है, कुबेर जी का भी होता है। शुक्र देवता वैभव के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, सभी प्रकार की लग्जरी चीजों पे उनका आधिपत्य है। तो ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन नहा धो के एक अपने दाएं हाथ में इलायची रखनी है, हरी वाली छोटी, और इसी के साथ एक लौंग रखना है। यानी ये दो चीजें हाथ में रखनी है, मुट्ठी को बंद कर लेना है और मंत्र पढ़ना है, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रभु नारायण, जुपिटर
ग्रह के अधिपति देवता हैं, माँ लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठाती देवी हैं। दोनों को मिला के ही पैसा आता है। बृहस्पति का पैसा वैद्यों का होता है, शुभ होता है। शुक्र का पैसा लग्जरीज का होता है। तो दोनों ही पैसे आपको ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। अब जब ये मंत्र आपका कंप्लीट हो जाता है 108 बार, तब आप इन दोनों चीजों को एक पीले कपड़े में रखेंगे और उस पीले कपड़े को तिल देंगे। याद रहे, चिपकाना नहीं है, याद रहे गांठ नहीं लगानी है, खुला नहीं छोड़ना, सिल देना है। पीले धागे से सिलते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगली बात, इस पुड़िया को लेकर, इस छोटी सी पोटली को लेकर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, सेफ लॉकर है वहां रख सकते हैं, जहां पर भी आप पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं। लेकिन इसे पर्स में नहीं रखना है। पर्स में इसलिए नहीं रखना है क्योंकि पर्स में चमड़ा होता है, ये माँ लक्ष्मी का है, नकारात्मक एनर्जी फैलती है। कुछ और उपाय जो होते हैं वो पर्स में किए जा सकते हैं, फिलहाल यह उपाय नहीं है। तो इसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मिस फॉर्चून सही होने लग जाएगा। तो ये उपाय करिए, 100% आपको पॉजिटिव और सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो भी आपको काम करना है सच्चे मन से करना है। लेकिन याद रहे, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यह क्रिया आपको नहीं करनी है। इसके बदले आप अपने घर में कोई भी इंसान जो नॉनवेज नहीं खाता है उससे करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उपाय करिए और अपने जीवन को सफल करिए। इसी के साथ मुझे इजाजत भी दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलमुखी।